नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत है इस गुरुजी वर्ल्ड यानी शिक्षक भर्ती का एकमात्र प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। हर प्रश्न रहता है नजर में, आपका सिलेक्शन, आपकी सरकारी सीट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी आज इस वीडियो में धड़ाधड़ आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते भी होंगे, यहाँ पर अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष आता भी होगा, लेकिन रिवाइज कर लेंगे। साथ में आपके ये 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष, आज हम इसको लिख लेंगे और फिर हम एग्जाम के पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। कॉपी पेन ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है क्योंकि सरकारी सीट की बात होती है तो सब्सक्राइब कर लेना, आगामी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 लाइन जान लेते हैं कि क्या होता है। देखो, अल्पप्राण और महाप्राण होता क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें क्या कहते हैं, अल्पप्राण। अगर याद करना है तो कैसे याद करोगे, कहा कि कम श्वास निकले, कम श्वास निकले तो अल्पप्राण कहलाएगा, ठीक है, यह पता है। तो अल्प मींस क्या होता है, कम, तो इसलिए आपकी परिभाषा में भी कैसा आएगा, कम श्वास। अगर ज्यादा श्वास निकले तो हम कह देंगे कि महाप्राण, और जिनके उच्चारण में अधिक श्वास निकले तो भैया महाप्राण हो जाता है। महा मींस बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तो अगर कम बोले तो अल्पप्राण और ज्यादा बोले सांस तो फिर भैया कैसा हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। आपने यह भी सुना होगा कि बहुत सारे हिंदी में का वर्ग होते हैं, पा वर्ग होते हैं, चा वर्ग होते हैं, टा वर्ग होते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के जो है वर्ग होते हैं। इन्हीं से हमसे पूछा जाता है कि ऑप्शन देगा कि निम्न में से कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा अघोष है, कौन सा घोष है, कौन सा आपका सघोष है, ठीक है, बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो याद रखिएगा, ये आपके कुछ वर्ग होते हैं, ठीक है। अब वर्ग होते हैं, अभी आपको लिखना नहीं है, अब आपको लिखना कहां से है मैं वो बताऊंगा। हां, अभी आपको जब मैं बताऊं तब लिखिएगा। अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है। देखो, का गा यहां पर इंग्या की बात आती है या वहां की बात आती है, जो भी आप कहते हैं, तो यहां पर ये सारे वर्ड आ जाते हैं, ये महाप्राण और अल्पप्राण में आते हैं। लेकिन हमें क्या है ना, हमें ऐसा सीखना है जो अंतःस्था भी किसमें आते हैं, ओसम व्यंजन किसमें आते हैं, तो ये भी वर्ड सीखना है जो हमारे दिमाग से नहीं निकले। तो अब हम उनको सीखते हैं। देखिएगा, मैंने कहा कि अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण है। यानी अब हम बोलेंगे कि कौन सा पांचवा तीसरा वर्ग। अब अभी हमने जो ऊपर आपको दिखाई थी एक इमेज कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है ना, ऐसे ही वर्ड जो कह रहा है कि पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है ना, पहला और तीसरा और यहां पर पांचवा वर्ड जो है अल्पप्राण है। सभी स्वर, यानी स्वर की बात जब भी आती है तो हम इनको 11 में डिनोट करते हैं, 11 में संख्या में लेते हैं। कह रहा कि पहला आए, तीसरा आए, पांचवा आए, वो वर्ड होते हैं और सभी जो है स्वर अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। बाद बाकी बच्चे क्या हो जाएंगे, महाप्राण। अब महाप्राण में क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण है। इसमें विसर्ग की तरह हा की ध्वनि सुनाई देती है और सभी उसम महाप्राण होते हैं। तो एक चीज आपको कंफर्म रखनी है कि अंतः इस्ता व्यंजन जिसको हम यारा लावा कहते हैं, यारा लावा, ये सभी आ जाएंगे अल्पप्राण में, ठीक है। और अगर कह दे अनुनासिक, जिसमें हम इंग्या की बात करते हैं, वहां की बात करते हैं, अणा की बात करते हैं, वो भी किसमें आ जाएंगे, अल्पप्राण में आ जाएंगे। और अगर कहे कि हा की ध्वनि निकलती है, ऊष्म की ध्वनि निकलती है, ऊष्म व्यंजन, तो अगर हम कहें कि सा आ जाता है, सा आ जाता है, हा आ जाता है, इस टाइप के वर्ड सभी किसमें आ जाएंगे, महाप्राण में। जबकि अंतःस्था और ये सभी व्यंजन आ जाएंगे किसमें, आ जाएंगे अल्पप्राण में। तो दो चीजें आपको डिफरेंस समझना है। अब हम चलते हैं कि अल्पप्राण में कौन सा आ जाएगा, का, चा, टा, ता, पा, इस टाइप के वर्ड आ जाते हैं। अब हम इनको यहां पर समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्ड आ जाते हैं, ये क्या लिखा है। देखो, सबसे पहले यहां पर लिखा है का, चा, टा, ता, पा। देखो, मैंने कहा कि पहला, बोले कि अल्पप्राण में आता है जो पहला आता है, तीसरा आता है और कहीं ना कहीं पांचवे की बात करी गई है। तो का आया, ठीक है ना, फिर बोले कि गा आ जाएगा, फिर बोले कि ये आ जाएगा, फिर बोले कि चा आ जाएगा, जा आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। सभी अनुनासिक वर्ड भी किसमें आ जाते हैं दोस्तों, लास्ट वाले वर्ड भी किसमें आ जाते हैं, अल्पप्राण में आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर कर दिया जाए कि निम्न में से कौन सा अल्पप्राण है, अब अल्पप्राण के लिए हम ऑप्शन देते हैं, का दे दिया मैंने एक, ठीक है ना, एक घा दे दिया आपको, एक हमने छा दे दिया आपको, ठीक है ना, और एक हमने ठा दे दिया। तो आपको पता है कि अल्पप्राण दोस्तों, हमें पता है कि पहले में आता है और तीसरे में आता है और आपका पांचवे में आता है, ठीक है ना। और जो बच्चा है दोस्तों, जो बच्चा है यहां पर, जो बच्चा है यहां पर, जो बच्चा है यहां पर, ये सभी किसमें आ जाता है, महाप्राण में आ जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है, बोले कि अल्पप्राण ये आ जाएंगे, अल्पप्राण ये आ जाएंगे, अल्पप्राण ये आ जाएंगे, अल्पप्राण ये आ जाएंगे, अल्पप्राण ये आ जाएंगे। तो भैया ये बता दो, ये जो बच्चे वाले वर्ड हैं यहां से लेके यहां तक, ये सभी किसमें चले जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। तो का वर्ग में आ जाता है, का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, वा, और टा, ठा, डा, ढा, ळा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। और अल्पप्राण की एक और खासियत है कि यारा ला
और वा आता है, और लास्ट के सभी वर्ड भी किस में आ जाते हैं, अल प्राण में आ जाते हैं। एक एक को छोड़ते जाइए, अल प्राण और महाप्राण चुनते जाइए, ठीक है। ये वर्ड आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं अघोष व्यंजन की। अघोष व्यंजन में बहुत सारी चीजें हैं, अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग हो, बोले कि श्वास का उपयोग हो तो भैया अघोष व्यंजन। क्या श्वास का केवल उपयोग हो तो अघोष हो जाएंगे। और इनकी संख्या हमेशा पूछी जाती है, 12 होती है, 13 होती है, 14 होती है, 15 होती है, तो याद रखिएगा 13 हो जाती है अघोष व्यंजन की संख्या, ठीक है। अब हम याद करते हैं कि जो कौन कौन से हो सकते हैं। याद रखो अघोष वर्ण वो होते हैं जो सभी वर्ग होते हैं, का चा टा ता पा, ठीक है ना। तो यहां पर जो वर्ड आपके स्टार्टिंग के हर वर्ग के दो तत्व ले लीजिएगा, हर वर्ग के दो वर्ण ले लीजिएगा। देखो पहले का काखा ले लिया, बिल्कुल मिल गया। दूसरे का चाछा ले लिया, बिल्कुल मिल गया। टाठा ले लिया, बिल्कुल मिल गया। ताथा ले लिया, बिल्कुल मिल गया। और पाफा ले लिया, बिल्कुल मिल गया। और क्या कहते हैं आपके उष्मा जाएंगे, ठीक है। याद रखो मेरे भाई, जो आपने दो दो खत्म कर दिए ना, इनको आपने दो दो खत्म कर दिए, ये हमारा अघोष था। और हमने क्या करा, ये जो बाद बाकी बचे हुए शब्द हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे घोष हो जाएंगे, ठीक है। दिमाग में बस इतना रखना कि अगर एक चीज आपको याद है, जैसे अल्पप्राण में अगर एक चीज पता है कि का होता है, फिर एक छोड़ दो, है ना, गा होता है, और आपको महाप्राण अपने आप हो जाते हैं। ऐसे अघोष में आपको अगर एक चीज पता है कि स्टार्टिंग के दो हर वर्ग के ले लेंगे, तो बाद बाकी बचे तत्व तो हम ऑप्शंस में देखते ही खन लगा देंगे कि वो कैसे हो जाएंगे, वो घोष हो जाएंगे। यानी पहले वर्ग के दो, यानी हर वर्ग के दो पहले सदस्य ले लेने हैं, वो हमारे अघोष हो जाएंगे और बाकी बचे घोष हो जाएंगे। घोष को हम सघोष भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने कहा अघोष में दोस्तों 13 होते थे घोष व्यंजन की, और घोष व्यंजन में कितने होंगे इसका उल्टा कर दो, तो अब घोष व्यंजन में जो संख्या होगी वो 31 हो जाती है, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भूलना है, 13 किसमें होते हैं, 31 किसमें होते हैं, याद रखना है। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग हो, श्वास का प्रयोग ना हो, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 है, जबकि अघोष की में कितनी थी, 13 थी, जो इस प्रकार है। अब कौन से यार ध्यान रखना है, मैंने कहा कि दो वर्ड आपको याद जब छोड़ दिए तो बाद बाकी आपको बचा क्या, ये बचा, ठीक है, ये बचा, ठीक है। अब यहां पर तीन बच्चे, ठीक है, ये तीन बच्चे, ठीक है, और यहां पर ये बच्चे, और लास्ट में हमने कहा अंतःस्था में ये आ जाएगा। और हा, जी हाँ, हा वर्ड जो है आपको याद रखना है, उसमें हा वर्ड नहीं लेना है, जबकि हा वर्ड आएगा इसमें आपका घोष में आ जाएगा। तो बताओ वीडियो दोस्तों कैसी लगी। इस वीडियो में अगर आप नए थे अभी तक, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत उम्दा क्लासेस होने वाली हैं, स्टार्ट होने वाली है, बहुत हर चीज़। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करिएगा, अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का जय हिंद, वंदे मातरम।